हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या अग्रवाल जी आपको सिंधी टाके का ये फ्लावर मोटिव सिखा रही हूँ। ये बॉर्डर पैटर्न में है, इसको आप कहीं भी बॉर्डर के रूप में इसको यूज़ कर सकते हैं। इसे हम दो कलर से करेंगे, ये हम नीचे का जो पत्ती वाला शेप है इसे हम ग्रीन से करेंगे, ऊपर हम पिंक से करेंगे। चलिए बनाते हैं। ये हम पहले लीफ वाला शेप कर लेते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं और इधर ट्रायंगल बनाते हैं। ये जब भी हम उरेप से डिज़ाइन बनाते हैं, मतलब तीछे में, तो हमें दो तरह की लाइन मिलती है। एक लेफ्ट साइड झुकी हुई, लेफ्ट साइड झुकी हुई इस तरह की, तो इसको मैं एल लाइन बोलूँगी, और जो इस तरह जा रही है तो उसको आर लाइन, ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ से गए, अब यहाँ हमारा धागा ऊपर रहेगा, क्योंकि ये देखिए ये लाइन कैसी बन रही है, अभी जो बन रही है लेफ्ट साइड की, तो हमारी इससे पहले की लेफ्ट साइड की लाइन क्या है, नीचे है, तो ये ऊपर रहेगी। अब यहाँ पर हमारा धागा ऊपर रहेगा कि नीचे, ये देखने के लिए अभी लाइन कौन सी बनेगी, आर लाइन, ये आर लाइन, तो यहाँ पर आर लाइन क्या बनी नहीं है, तो ये वाली आर लाइन जो है नीचे में है, तो वो नीचे है, तो यहाँ जो आएगी ऊपर, तो फिर ये नीचे, हमें एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे रखनी है। फिर हम इस तरफ आ गए, ये आ गए, फिर इधर आ गए। आप इसके लिए मेरा कॉन्सेप्ट वीडियो लेसन फोर और लेसन 16 देख सकते हैं। यहाँ से हम लिए ट्रायंगल बनाए, ये देखिए यहाँ पर ये ऊपर है, तो हम यहाँ पर नीचे डालेंगे, फिर यहाँ से ट्रायंगल बनाए, यहाँ ऊपर। मैंने मेरे पुराने लेसन आप देख लीजिए, सब में मैंने कुछ ना कुछ सिखाया है, तो आपको काफ़ी हेल्प होगी अगर आप बिगनर्स हैं तो। ऊपर ये इधर आ गए, अब यहाँ पर ऊपर रखेंगे, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे, ये नीचे क्यों गया, क्योंकि ये देखिए ये ऊपर है, तो ये नीचे। इस तरफ से ट्रायंगल बनाते हैं, नीचे हमें जिस तरह की लाइन बनने वाली होती है उसी के आगे की लाइन को देखते हैं, ये ऊपर है, ये आर लाइन, तो ये नीचे आ गए, यहाँ ऊपर, फिर ये नीचे। यहाँ ऊपर रख के बीच में नीचे, यहाँ नीचे डाले, फिर ऊपर, फिर ये नीचे। ये इसका कच्चा टाका कंप्लीट होता है, अब हम इसका पक्का टाका कर लेते हैं। यहाँ से कर लेते हैं शुरू, यहाँ फर्स्ट में नीचे, फिर छोटे वाले से लिए। ये मैं हमेशा ऐसे ही बताती हूँ, फर्स्ट में नीचे और फिर ये छोटे वाले से, मतलब इसका वो ये है कि जहाँ पर ऊपर है वहाँ नीचे, ये देखिए ये ऊपर है तो हम इसको नीचे डाल रहे हैं, ये फर्स्ट में नीचे, ये छोटे वाले से फर्स्ट में नीचे आ गए। बस ये फिल को ऐसे करेंगे, फर्स्ट में नीचे, ये जैसे फर्स्ट में नीचे, और फिर यहाँ पर हमें छोटा वाला नहीं दिख रहा, हमें दूसरा बॉक्स दिख रहा, हम वहाँ जाएंगे, ये छोटे वाले से आते हैं, और फिर ये फर्स्ट में नीचे, ये छोटे वाले से, ये बाहर से, फिर ये छोटे वाले से, ये धागा सीधा कर दीजिए, यहाँ पर छोटे से ले। अब हम थ्रेड को सिंगल कर लेते हैं, अब ये देखिए फर्स्ट में नीचे आए, फिर अब ये वाला बॉक्स पूरा फिल हो जाएगा, ये छोटे वाले से लिए, और फिर ये देखिए हमें यहाँ फर्स्ट में नीचे मिला, यहाँ छोटे से आ गए। अब ये चार वाले पैटर्न में हम क्या करते हैं, फर्स्ट में नीचे, सेकंड में ऊपर, थर्ड में नीचे, और ये बाहर से,
फर्स्ट में नीचे, फिर ये आई बाहर छोटे से, फिर चार वाले में फर्स्ट में नीचे, सेकंड में ऊपर, थर्ड में नीचे। और ये इस बार मैंने बॉक्स छोटे बनाए क्योंकि आप लोग सीख चुके हैं, तो नहीं तो मैं बॉक्स बड़े बना के सिखा रही थी ताकि, क्योंकि जब भी हम सिंधी एम्ब्रॉयडरी बनाते हैं तो हमारा गैप नहीं दिखता है, और मैं जब भी सिखाई हूँ तो मैं बॉक्स बड़ा रख के सिखा रही थी, इतने मेरे बॉक्स हो रहे थे। ये आ गया फर्स्ट में नीचे, और फिर ये यहाँ फर्स्ट में नीचे, सेकंड में ऊपर, थर्ड में नीचे, यहाँ गए ये फर्स्ट में नीचे, यहाँ फर्स्ट में नीचे, सेकंड में ऊपर, थर्ड में नीचे, ये फर्स्ट में नीचे, ये छोटे वाले से लिए, फिर ये फर्स्ट में नीचे, सेकंड में ऊपर, थर्ड में नीचे, और ये देखिए हमारा कंप्लीट होता है। जहाँ से हम आते हैं इस एम्ब्रॉयडरी में, वहीं पर हम बाहर निकल जाते हैं, ये छोटे वाले से लेके, फिर हमने जहाँ से शुरू की थी वो हमारी ये। अब हम इसका ये उरे वाला, ये मैं इस उल्टी बख्या से करूँगी इस टाइम स्टिच। तो चलिए इसको बनाना सीखते, ये बनाएंगे इसको, यहाँ से निकाल लेते हैं। अब जब भी स्टेम स्टिच बनाते हैं तो हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, तो यहाँ से हम एक लेंगे यहाँ तक, और फिर इसके दोनों के बीच में हम ये निकाल देंगे धागा। जैसे हमें जब भी देखिए ऊपर है, हम यहाँ से थोड़ा सा टाका लिए और जहाँ पर हमारा पहला टाका है वहाँ पर निकाल दिए, ये बैक स्टिच बोलते हैं। मतलब इसको यहाँ से लिए और हम ऊपर की तरफ जाएंगे जहाँ हमारी पुरानी स्टिच का धागा है ये। फिर ये देखिए ये लिए और ये यहाँ गए, ये देखिए यहाँ से लिए नीचे, ऊपर से हम नीचे आ रहे हैं, नीचे से आधे में हम निकाल दे रहे हैं, फिर नीचे आए और ऊपर की तरफ क्यों ले गए, नीचे आए ऊपर, नीचे से हमें ऊपर जाना है, यहाँ नीचे से ऊपर, ये नीचे से ऊपर, हाँ भी नीचे से ऊपर, बस हम इसी तरह से इसको बनाएंगे, नीचे से ऊपर, यहाँ भी हमारा हो गया नीचे से ऊपर बना। अब हम ये अलावा पैटर्न बना लेते हैं, ये वाला तो मोटिफ मैंने कई बार सिखाया है, इसको लेसन फोर में इसका पूरा विधि है। यहाँ से गए यहाँ गए, यहाँ तक ऊपर रखेंगे और जहाँ तक लाइन का एंड है वहाँ तक जाके ये यहाँ धागा ऊपर, यहाँ धागा ऊपर, धागा ऊपर रखेंगे, ये बीच में नीचे डालेंगे, क्योंकि देखिए ये जिस तरह की लाइन है वो यहाँ ऊपर है, यहाँ जाते हैं यहाँ धागा ऊपर रखेंगे, आप भी ऊपर रखते हैं, यहाँ ऊपर, और फिर ये बीच में नीचे, यहाँ ऊपर, यहाँ भी ऊपर जाएगा हमारा धागा और यहाँ भी ऊपर जाएगा। सिंगल कर लेते धागे को, ये देखिए ये लाइन ऊपर है तो हमारे बीच में नीचे जाएगा। इसका पूरा मेथड तो मैंने लेसन फोर में बताया है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ ये कच्चा टाका कंप्लीट होता है। अब हम इसका पक्का टाका कर लेते हैं, यहाँ से निकालती हूँ मैं पक्का टाका के लिए, यही है कि ये देखिए जिस तरह की लाइन है ये ऊपर है तो हम इसको क्या करेंगे नीचे डालेंगे, ये छोटे वाले से, फिर ये बीच में, ये फर्स्ट में नीचे, और फिर ये बाहर के बॉक्स से,
ये फर्स्ट में नीचे आ गया, दूसरा बॉक्स सिंगल कर लेते धागा, ये छोटे वाले से ले लेते, ये फर्स्ट में नीचे, ये छोटे वाले से, ये फर्स्ट में नीचे, ये छोटे वाले से लिए। ये देखिए चार वाला है तो क्या करते, फर्स्ट में नीचे, सेकंड में ऊपर, थर्ड में नीचे और ये बाहर। ये फर्स्ट में नीचे, ये बाहर के बॉक्स से आ गए। जब हमें छोटा वाला मिलता है तो हम छोटे वाले में डालते हैं। फिर ये फर्स्ट में नीचे, यहाँ गए, ये फर्स्ट में नीचे, ये छोटे वाले से। अब इस तरफ आए, फर्स्ट में नीचे, सेकंड में ऊपर, थर्ड में नीचे, ये बाहर। आधा हमारा हो चुका है इसका, फर्स्ट में नीचे, यहाँ गए, ये फर्स्ट में नीचे और ये बाहर से छोटे वाले में लेंगे। जब भी हम ट्रायंगल थोड़ा कम लेंगे तो हमारा धागा फंसता नहीं है। फर्स्ट में नीचे और फिर ये इधर आ गए। अब ये चार वाला है तो ये फर्स्ट में नीचे, सेकंड में ऊपर, थर्ड में नीचे, ये यहाँ गए। अब ये यहाँ भी फर्स्ट में नीचे, सेकंड में ऊपर, थर्ड में नीचे, ये छोटे वाले से। ये देखिए फर्स्ट में नीचे, फिर ये यहाँ गए, फर्स्ट में नीचे, सेकंड में ऊपर, थर्ड में नीचे, और ये जहाँ से हम शुरू करते हैं वह हमारी एम्ब्रॉयडरी ये खत्म होती है। देखने में बॉटम बहुत सुंदर लग रहा है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।